दोस्तों आज हम एक और स्पोकन स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं और ये भी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसी तरह के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं जो कि स्पीकिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप प्ले में जा करके देख सकते हैं तो आइए इसको पहले देखते हैं इसका प्रेजेंट पार्ट देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है पहले आएगा सब्जेक्ट फिर आएगा गो ऑन या फिर ऑन फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आई फिर आएगा ऑब्जेक्ट गो ऑन और गोज ऑन जो है गोज ऑन जो है वो ही शी इट और सिंगुलर नेम यानी एक वचन के साथ आता है जो बाकी के बचेंगे उनके साथ गो ऑन आएगा बाकी के बचने से मतलब जैसे आई वी यू दे और पिलुरर नेम्स यानी बहुवचन होगा तो गो ऑन आएगा पहचान पे बात करें तो पहचान होती है ता रहता है ते रहते हैं ती रहती है या फिर ता रहता हूँ ती रहती है ती रहती हूँ या ते रहते हूँ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है रवि न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है रवि न्यूज़पेपर पढ़ता है नहीं रवि न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है ठीक है तो आप देखो ध्यान से लास्ट में क्या आ रहा है ता रहता है ता रहता है तो ये इस रूल में जाएगा इस स्ट्रक्चर में जाएगा तो इसमें रवि क्या है सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे रवि क्योंकि रवि सिंगुलर है एक वचन है तो इसलिए हम गोज ऑन यूज करेंगे और लिखेंगे रवि गोज ऑन फिर रूल क्या कह रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के लिए तो आप लिखेंगे रवि गोज ऑन पढ़ता रहता है रीडिंग और न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर नेक्स्ट है सुनीता पूरे दिन सोती रहती है ती रहती है ती रहती है तो हम क्या यूज करेंगे सुनीता सब्जेक्ट है सुनीता सिंगुलर है एक क्वेश्चन है तो हम गोज ऑन यूज करेंगे सुनीता गोज ऑन सोती रहती है स्लीपिंग पूरे दिन द होल डे नेक्स्ट है मैं पार्क में क्रिकेट खेलता रहता हूँ खेलता ता रहता हूँ तो आप लिखेंगे मैं यानी आई अब क्योंकि आई है तो इसलिए गोज ऑन नहीं आएगा गो ऑन आएगा आई गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट और पार्क में इन द पार्क नेक्स्ट है हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं ते रहते हैं हम यानी वी और वी के साथ क्या आएगा गो ऑन पढ़ाते रहते हैं। टीचिंग बच्चों को द चिल्ड्रन या फिर स्टूडेंट्स और इसी तरीके से ऑन भी होता है तो आप ऑन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गो ऑन या गोज ऑन भी यूज़ कर सकते हैं अब इसका हम पास्ट पार्ट देखते हैं तो क्योंकि ये पास्ट है तो थोड़ा सा रूल बदल जाएगा और रूल हो जाएगा सब्जेक्ट फिर वेंट ऑन फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई फिर ऑब्जेक्ट पहचान पे बात करें तो ता रहता था ते रहते थे ती रहती थी या फिर ता रहा ते रहे ती रही और इसी का दूसरा जो होता है वो जो कीप कीप ऑन या फिर कैप्टॉन पास्ट में कैप्टॉन हो जाता है और जैसे यहाँ पे ऑन हुआ है तो जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल रवि न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था ता रहता था देखो ता रहता था तो वेंट ऑन यूज करेंगे तो रवि वेंट ऑन पढ़ता रहता था रीडिंग न्यूज पेपर द न्यूज पेपर नेक्स्ट है सुनीता पूरे दिन सोती रहती थी ती रहती थी देखो ती रहती थी तो सुनीता वेंट ऑन स्लीपिंग पूरे दिन यानी द होल डे नेक्स्ट है मैं पार्क में क्रिकेट खेलता रहता था मैं पार्क में क्रिकेट खेलता रहता था मैं यानी आई वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट और पार्क में यानी इन द पार्क नेक्स्ट है हम बच्चों को पढ़ाते रहते थे पढ़ाते रहते थे ते रहते थे तो हम यानी वी वेंट ऑन पढ़ाते रहते थे टीचिंग बच्चों को द स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन फिर इसका हम फ्यूचर पार्ट देखते हैं तो क्योंकि फ्यूचर है तो रूल बदलेगा थोड़ा सा तो देखते हैं रूल बदल गया सब्जेक्ट फिर विल फिर गो ऑन फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई फिर ऑब्जेक्ट पहचान पे बात करें तो ता रहेगा ते रहेंगे ती रहेगी या फिर ता रहूंगा ती रहूंगी ते रहोगे ये सारी चीजें मैं इसलिए लिखता हूं कि इससे बाहर कोई भी चीज ना जा पाए कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई ता रहेगा ते रहेंगे तो ठीक है बट ती रहूंगी आ गया तो क्या करेंगे या फिर ते रहोगे आ गया तो क्या करेंगे तो इसलिए मैं सब लिख देता हूँ कि इससे बाहर कुछ ना जा पाए तो एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे लिखा हुआ है रवि पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ता रहेगा ता रहेगा तो रवि फिर रूल क्या कह रहा है विल गो ऑन लगाने के लिए तो विल गो ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर द होल डे यानी पूरे दिन नेक्स्ट है सुनीता पूरे दिन सोती रहेगी ती रहेगी ती रहेगी तो सुनीता विल गो ऑन स्लीपिंग द डे नेक्स्ट है मैं पार्क में क्रिकेट खेलता रहूंगा ता रहूंगा तो मैं यानी आई विल गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क नेक्स्ट है हम कल बच्चों को पढ़ाते रहेंगे हम यानी वी विल गो ऑन पढ़ाते रहेंगे टीचिंग द स्टूडेंट्स और कल के लिए आप लिख देना टमोरो ठीक है तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको राइटिंग सेक्शन में कोई समस्या है ग्रामर में कोई समस्या है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं आपको सब मिल जाएगा जैसे लेटर रिपोर्ट आर्टिकल स्पीच डिबेट नोटिस ये सब चीज़ें मिल जाएंगी उसमें आपको गैप फिलिंग हो गया एडिटिंग हो गया स्टोरी राइटिंग हो गया गैप फिलिंग ये सब मिल जाएगा और आपको बहुत ही आसान तरीके वाला मिलेगा ठीक है ओके फ्रेंड्स बाय